हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है मैजिक मिस्ट्री क्लास ऐप पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम आपको दो डीपीएस दिए थे, डीपीएस 1 डीपीएस 2 डेली प्रैक्टिस से, जिसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस से का सॉल्यूशन आज हुआ डीपीएस 01, मतलब आज डीपीएस 1 सॉल्व हुआ। जो दोस्त, अगर आप डीपीएस आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मैजिक केमिस्ट्री सिट, वहां से आपको मिल जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर भी मिल जाएगा और वहां डीपीएस भी मिल जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डीपीएस मिल जाएगा। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर डीपीएस शुरू किया जाए, तो बिना देरी हुए, बिना किसी संकोच के हम लोग शुरू करते हैं डीपीएस 12। ठीक है बाबू, चलिए। तो 12 क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of C2, C3, C5 and C6 of the following hydrocarbon। दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन है। सर कैसे हाइड्रोकार्बन है? तो ये वैसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हो गया बाबू हाइड्रोकार्बन। दैट्स क्लियर है, हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में नंबरिंग कर दिया और बोल रहा आपको C2 कार्बन का, C3 कार्बन का, C5 कार्बन का और C6 कार्बन का। ये जो नंबरिंग मैं आपको रेड कलर से जो मैं इंडिकेट किया हूं, जिसको इंडिकेट किया हूं, उसमें सबका तो नहीं बताना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि C2 का निकालिए, C3 कार्बन का निकालिए, C5 कार्बन का निकालिए और C6 कार्बन का निकालिए। ठीक है, और चार ऑप्शन है दोस्तों, और चार में हमको फाइंड करना है कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हम बनाएंगे कैसे, दैट्स क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन पास आना हो तो मैं आपको बताया था 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बाबू दोस्त, आप बना सकते हो, टैलेंटेड हो, लेकिन इसको इजी वे में बना रहा हूं। तो सबसे पहले जिस कार्बन को बोला उसके बॉन्ड को थोड़ा बोल्ड कीजिए, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा। C CH3 CH3 C C, ठीक है ना? यहां पे H डबल बॉन्ड CH ऊपर लिखो, नीचे लिखो रहेगा तो कार्बन नहीं, ठीक है बाबू? दोस्तों CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। पता दोस्तों मैंने क्या किया, सब कार्बन को मैंने बॉन्ड के रूप में क्या किया, इंडिकेट कर दिया। इसको डैश फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना? 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। चलो किस किस का निकालना है, 2, 3, 5, 6। पहले 2 का निकालना है, 2 कार्बन खोजो, ये मिल गया। और 2 कार्बन में किसको खोजना है, सिग्मा और पाई, तो 1 सिग्मा ये हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड में दोस्त 2 पाई 1 सिग्मा होता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा पर क्या बोलते हैं दोस्त, sp। ऐसे क्लियर बाबू दोस्त, क्लियर हुआ? चलो sp3 कार्बन, यहां पर तीसरा कार्बन को फाइंड करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, सिंगल बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहां कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा 4 सिग्मा पर क्या हो जाएगा, sp3। कोई कंफ्यूजन है दोस्त बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अब क्या है, c5 क्या आ गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पर क्या होता है दोस्त, sp2। अब चलेंगे दोस्त 6 सिग्मा, छठा कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पर sp3। दोस्तों ऑप्शन में sp3 sp2 sp3 sp भी दिया है, लेकिन ऑप्शन पहले यहां देखिए, यहां किसको खोजना है, C2 कार्बन, तो C2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, जल्दी बोलो दोस्त। उसके बाद C3 कार्बन का sp3, उसके बाद दोस्त C5 का C5 sp2, उसके बाद दोस्त जल्दी बोलो C6 कार्बन का sp3। तो आपका ऑप्शन क्या है, चेक कीजिए, A इज द करेक्ट आंसर, A इज द sp sp3 sp2 sp3। दैट्स क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इस चारों में से कौन कंपाउंड, ठीक है, sp2
सेंट लिसन गाइस, कहता है इस चारों में से कौन कंपाउंड है, इस चारों में से कौन कंपाउंड है जिसमें sp2 अबसेंट है। sp2 क्या है? अबसेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस चारों में से कौन सा कंपाउंड है sp2 कंपाउंड हाइब्रिडेशन इज अबसेंट, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन अबसेंट हो जाए। चलो देखते हैं, आइए चेक करते हैं। सर का बारी बारी से इसको पहले जूम कीजिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए अच्छे से H और H, देखो बढ़िया से। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे दोस्त, एक सिग्मा दो सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन का निकालेंगे हाइब्रिडेशन sp, इसका निकालेंगे तो sp2, इसका निकालेंगे तो दोस्त sp2। अब मेरे को वैसे कंपाउंड खोजना जिसमें sp2 ना हो, अब सेंट हो, लेकिन इसमें तो sp2 है। 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर sp2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो बाबू दूसरा चेक करते हैं, इसको जूम किया जाए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH 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 H, ठीक है दोस्त, जूम कर दिए, कोई कंफ्यूजन है? इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे दोस्त, जल्दी बोलो भाई, बोलना है दोस्त। एक क्या हो जाएगा sp, एक क्या हो जाएगा sp, एक क्या हो जाएगा sp3, एक क्या हो जाएगा sp3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कोई कंफ्यूजन दोस्त? यहां देखो इसका हाइब्रिडेशन एक सिग्मा दो सिग्मा sp, एक सिग्मा दो सिग्मा sp, 1 2 3 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 4 सिग्मा sp3, तो आगे जाने का तो कोई दुखी नहीं बनता बाबू, ठीक है ना। इस तरह से क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन है इस चारों में से कौन ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें sp2 अब्सेंट है, तो ये हो गया। अब इसको भी चेक करो, करी लो CH 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 डबल बॉन्ड CH H, sp3 हो गया, कोई कंफ्यूजन है? ये हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, ये भी ऑप्शन होते हैं, उसको खुद से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहा है बाबू, इच कार्बन एटम इन बेंजीन, बेंजीन में जो कार्बन एटम है इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन। कहता बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है बाबू कि बेंजीन में इच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, sp2 है, sp3 है, sp3 है। तो सबसे पहला बेंजीन C6H6, आप मैट्रिक क्लास में पढ़ लिएगा मैट्रिक में, अभी तो मैं इसको पढ़ाया नहीं हूं बट आप जानते होंगे कुछ ना कुछ। C6H6 में क्या है बाबू, C C C C C C, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, H H H H H H। क्वेश्चन है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो यहां पर चेक करते हैं। कार्बन काउंट कर दो दोस्त, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 थ्री सिग्मा sp2, प्रत्येक कार्बन का निकालोगे दोस्त 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2 sp2, देख लो प्रत्येक कार्बन का बेंजीन भी क्या हो गया sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? बेंजीन भी क्या हो जाएगा sp2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, तो ध्यान सुनिएगा, आप उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन है व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज द हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है, sp3 है, वो पूछ रहा है आपसे, व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड, और ये कंपाउंड है और आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू एसपी एंड एसपी थ्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एसपी टू एंड एसपी थ्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एसपी एंड एसपी टू, और चौथा है ओनली एसपी थ्री। तो क्वेश्चन नंबर फोर समझ में आया, क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है दोस्त ये तो कंपाउंड है, अब इसमें हाइब्रिड और माइक्रो के टाइप बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर वन में, कंफ्यूजन है उसको जूम कर लो दोस्त, सी एच 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 सी एच सी एच सी एच एच सी एच एच एच, देखो बढ़िया से स्ट्रक्चर ग्रुप में लिया है। अब काउंट करो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एसपी थ्री, चार सिग्मा पे दोस्त क्या हो गया एसपी थ्री, यहां निकालो एसपी टू एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री, कंफ्यूजन बोलना थे। देखो चार सिग्मा एसपी थ्री, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एसपी टू, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एसपी टू, एक दो तीन चार सिग्मा एसपी थ्री, चार सिग्मा एसपी थ्री। तो आपको एसपी थ्री एसपी टू कहां एसपी थ्री एसपी टू तो खोलो, देखो बच्चों अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है एक स्ट्रेट चेन, एक सीधा चेन है, रेखीय चेन है हाइड्रोकार्बन का, मतलब एक ऐसा चेन है हाइड्रोकार्बन का जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोस्त दिया हुआ है सी फोर एच टेन, सॉरी दोस्त सी एट एच टेन, मतलब एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन है, एक सीधा हाइड्रोकार्बन चेन है, सीधी चेन है, सीधी श्रृंखला है, ठीक है, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है सी एच टेन, सी एच टेन। द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन फॉर द कार्बन एटम, मतलब इसमें जो एट कार्बन एटम है, एट कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडेशन दिया हुआ फ्रॉम से वन एंड ऑफ द चेन, एक एंड से अदर, एक एंड से हाइब्रिडेशन का दिया हुआ sp3 और यहां से आर एक्स पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी एंड एस पी रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। पहले सुन लीजिए क्वेश्चन क्या करना है, एक स्टेट कार्बन चेन है, एक स्टेट कार्बन चेन है, अब कौन चेन है वो बता देगा, वो आपको नहीं बता रहा, सीधा बोला है कि एक स्टेट हाइड्रोकार्बन चेन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है सी एट एच टेन, इसमें कितने कार्बन है आठ, और उन्होंने कहा कि ये जो आठ कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन वो निकाल के दे दिया है एक एंड से दूसरे एंड तक रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब पहले कार्बन इसमें जो आठ कार्बन है दोस्त उसमें पहले कार्बन है sp3, दूसरे कार्बन है sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp एंड sp, तो आपको कह रहा है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन वुड बी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यहां देखो अब चार दे दिया, ठीक है, अब चार में से आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो अब इस चारों में से आपको खोजना है कि किसका पहला का sp3 होना चाहिए, दूसरा कार्बन का sp2 होना चाहिए। चलिए तो मैं आपको एक बताता हूं, दो बताता हूं, बाकी आप ट्राई करना, सी एच 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 सी 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 एच टू एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच, ठीक है, चलो जल्दी बनाओ, इसका sp3, ओ गॉड मिल गया यार, ठीक है sp3, इसका बोलो
एक कार्बन एक कार्बन दो कार्बन का एसपी लो, ये तो गलत हो गया। क्यों आगे बढ़ेंगे मतलब दोस्त क्यों आगे बढ़ेंगे? दूसरा कार्बन क्या होना चाहिए? एसपी टू। देखिए दूसरा कार्बन क्या है? एसपी। तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो दूसरा अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, यहां पे इसको चेक कीजिए जल्दी से। सी एच 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 सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच और एच, ठीक है। चलो इसका निकालो कहते हैं एसपी थ्री वाला, तो सही है। दूसरा कार्बन का एसपी थ्री, दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। इस हिसाब से आप चेक करना, सीओडी में छोड़ रहा हूं, ठीक है, चेक करो ना। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलने से पहले बच्चे का कमेंट आया है कि सर कम से कम फाइव का आंसर तो दे दीजिए। तो बाबू फाइव का आंसर होगा आपको डी। फाइव का आंसर क्या होगा दोस्त? डी। चेक कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इस चारों में से कौन हैज रखता है बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवर लैप ऑफ एसपी एंड एसपी थ्री, एसपी और एसपी थ्री। मतलब क्वेश्चन समझिए, याद कीजिए दोस्त, लेक्चर नंबर थर्ड आपको इसी तरह बताया था एसपी एसपी थ्री एसपी एस एसपी एसपी, इस तरह से आपको कुछ बताए थे लेक्चर नंबर थर्ड में, ठीक है। एडमिशन के कॉन्सेप्ट में बताए थे जिसमें हम लोग नीट का भी क्वेश्चन किए थे और जेई का भी क्वेश्चन किए थे लेक्चर नंबर थर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन हैज रखता है ए बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनता है ओवरलैप, ओवरलैप के कारण और ऑफ एसपी एसपी थ्री, एसपी एसपी थ्री ओवरलैप मतलब अपमिश्रण, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एसपी और एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। चलिए तो सबसे पहले आपको जो बोले तो वही ध्यान रखिए, सी एच 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 सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, इसका एडिशन एसपी थ्री, इसका एसपी, इसका एसपी, सब में चेक करते हैं। इसका जूम कीजिए, सी एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच एच, इसका एडिशन करेंगे बाबू जल्दी बोलो दोस्त जल्दी। इसका हो जाएगा एसपी थ्री एसपी टू एसपी टू एसपी थ्री। खुद आंसर बोलोगे, खुद से बोलोगे, खाली मेरे को लाने दो, अपने आप बोलोगे सर आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा? सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच और डी ऑप्शन में। इसका ऑपरेशन करो तो क्या ऑपरेशन करो, इसका क्या हो जाएगा एसपी टू, इसका एसपी टू, इसका एसपी टू, इसका एसपी टू, एक दो तीन सिग्मा, एक दो तीन सिग्मा, एक दो तीन सिग्मा, एक दो तीन सिग्मा। खुद आंसर बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। आप झूठ मूठ का आप प्रैक्टिस पेपर मार रहे हो दोस्त, सब आपको आता है। इसका हो जाएगा एसपी, इसका हो जाएगा एसपी, आंसर बोल दो कौन होगा, नहीं दिख रहा है आपको? देखो एसपी एसपी थ्री क्या कहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड, इसमें से कौन बॉन्ड है फॉर्म बनता है ओवरलैप एसपी एसपी थ्री, इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है एसपी एसपी थ्री। खोजो एसपी थ्री, एसपी है ही नहीं, एसपी टू है, एसपी है, यही है कंपाउंड जिसमें एसपी और एसपी थ्री है। दैट्स इट क्लियर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, द बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम वन एंड कार्बन एटम टू। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन एटम वन एंड कार्बन एटम टू इन कंपाउंड इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन वन से कार्बन टू। तो दोस्तों कार्बन ये हो गया वन और ये हो गया कार्बन टू, समझे ऐसा से। और
आपके अंदर में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको वन तो भी तो कर सकते हैं, नहीं एनसी आइसोसाइनाइट बोलते हैं। जब आप सिमिलरिटी टेबल पढ़ोगे ठीक है ना, तो नंबरिंग करना वहां भी सिखाएंगे। अभी तो हम एल्केनी पढ़ाएंगे, तो नंबरिंग देखो क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है सेवन नंबर, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम वन एंड कार्बन एटम टू इन कंपाउंड, इस कंपाउंड में दे दिया कंपाउंड इनवॉल्व शामिल है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एज हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो इस कार्बन का आप निकालेंगे तो एक सिग्मा दो सिग्मा एस पी, इसका निकालेंगे इसको ऊपर डाले दो एक दो तीन एस पी टू खोजो, कंफ्यूजन है। चलो क्वेश्चन नंबर एट चलते हैं, एट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या तो बोल रहे हैं दोस्त नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बताना है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, देखो दो चार छह कार्बन दो चार छह कार्बन, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पाई बॉन्ड, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑप्शन है दो, बी ऑप्शन है थ्री, सी ऑप्शन है फोर, डी ऑप्शन है फाइव, तो से बोल दो क्या परेशान कर रहे हो भैया। चलो पाई बॉन्ड खोजना है तो पाई बॉन्ड को भैया डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक रिवीजन, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक पाई तो यहाँ मिल गया, यहाँ पाई नहीं मिलेगा एक पाई यहाँ मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, कोई कंफ्यूजन है जल्दी बोलो दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नाइन की ओर, क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएंगे नाइन की ओर, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन काफी मजेदार क्वेश्चन है और वास्तव में अच्छे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एक दो तीन चार कंपाउंड है, पहले समझिए बात को, इन विच ऑफ द कंपाउंड, कौन कंपाउंड गिवन बिलो, आपको कंपाउंड दिया हुआ है गिवन बिलो, इज है दे आर मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखिए दोस्त पहले समझिए बात को, ये चार कंपाउंड है और इसका ऑप्शन ये है, चार कंपाउंड है और इसका ऑप्शन है ये, और क्वेश्चन कर रहा है कि इस चारों कंपाउंड में मोर देन वन काइंड हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मोर देन वन काइंड हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मोर देन वन काइंड, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो भैया तीन ही होता है, या तो एसपी होगा या एसपी टू होगा या एसपी थ्री होगा, अब कहा था इसमें से मोर देन वन काइंड, समझिए अच्छे से क्या बोलना चाहते हैं उसको समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए बाबू, याद कीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताए थे, एक बताए थे डैश फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला और दूसरा था क्वांटाइज्ड फॉर्मूला, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है क्वांटाइज्ड है, कौन है क्वांटाइज्ड, इसको बताया सी कैसे बनाया था सी एच एच एच, फिर यहां आ सी एच एच सी एच एच सी एच एच एच, इसका एब्रेशन एस पी थ्री, इसका एस पी थ्री, इसका एस पी थ्री, इसका एस पी थ्री, क्या इसमें मोर देन वन टाइप है, मोर देन वन टाइप का मतलब होता है कि इसमें सब कार्बन है एस पी थ्री है, वन टाइप नहीं है वन टाइप है, और यहां क्या खोजना है मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक से अधिक काइंड प्रकार का होना चाहिए, लेकिन सब में क्या है एसपी थ्री एसपी थ्री एसपी थ्री, चलो इसमें दिमाग लगाओ जल्दी कर दोस्त, क्या दिमाग लगाओ भैया बोलो यार, सी एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच एच, ये हो गया एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी थ्री, यस मोर देन वन काइंड है, इसमें मोर देन एस पी थ्री एस पी टू एक से अधिक काइंड है ना, तो ये तो सही आंसर है मोर देन वन काइंड है, इसको चेक करिए इसको सी एच एच डबल वन सी एच डबल वन सी एच एच, यहां देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच फिर सी एच डबल बॉन्ड, चलो इसका निकालो एस पी टू निकाल दो, इसका निकालेंगे
sp2 वन टाइप है कि मोर देन वन टाइप है? वन टाइप है, इसका निकालो sp. आंसर में क्या से दो देखो दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? मोर देन वन टाइप चुना है, इसमें सिर्फ sp3 है, इसमें sp2 है, इसमें sp है, तो आंसर बी ऐसा है जिसमें मोर देन वन काइंड है. ठीक है, चलिए अब समझते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. नोट कीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर 10 का है दोस्त, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन वन ब्यूटीन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है. ठीक है दोस्त, किसमें करना है? वन ब्यूटीन में. तो दोस्तों सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड तब निकलेगा जब आपको स्ट्रक्चर आएगा. और मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हम लोग ऐप पे लेक्चर नंबर 9 ही पढ़े, फिर आएगा फिर तो हम जानेंगे ना. तो आ गया है क्वेश्चन, अब इसको क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों प्यार से समझा रहे, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का 11-12 जो ऐप पढ़ाएगा वो एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप का ही होने वाला है, वहां स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे. बट दोनों दोस्त कोशिश करते हैं आ जाए. ठीक है, चलो सबसे पहला दोस्त क्या समझो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या लगाते हैं? एन. डबल बॉन्ड रहता तो क्या लगाते हैं? एन. और ट्रिपल बॉन्ड रहता क्या लगाते हैं? वाई एन. याद आ रहा है कुछ? हाइड्रोकार्बन बताया था लेक्चर नंबर 2 में दोस्त. ओके गाइस लिसन, अब वन ब्यूटीन में क्या करना है? वन ब्यूटीन में आपको लाना है सिग्मा बॉन्ड. कितने होते हैं सिग्मा बॉन्ड? कितने होते हैं? चलो दोस्त कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थोड़ा सा फंक्शन जान जाओ. ठीक है, सबसे पहले बताओ दोस्त, देखो कैसे यहां पे वर्ड रूट है कार्बन. अगर एक कार्बन है मीट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देख, यहां चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए ब्यूट होता है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. नहीं, अब सबको प्यार से सिंगल बॉन्ड डाल लो. ओके गाइस, अब यहां पे क्या लिखा है? ये अब तो मेरे को डालना पड़ेगा डबल बॉन्ड. तो ईएनई, ध्यान सुनना, ईएनई मतलब डबल बॉन्ड डालना है. डबल बॉन्ड कितना कहां डालना है? क्वेश्चन है इसमें तो चार कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कहां डालेंगे? ये भी तो क्वेश्चन है ना. तो डबल बॉन्ड डालेंगे पहला कार्बन पे. ठीक है दोस्त, आप इधर से डालो या इधर से, एक ही से. ओके गाइस, यहां पर डाल दिए, कोई कंफ्यूजन है? चलो अब हाइड्रोकार्बन, कार्बन आ गया तो बचा क्या? हाइड्रोजन. ऐड करो H. ये कार्बन कितना बड़े? 1, 2, 3, 4 बॉन्ड, 3 है 4 बॉन्ड, 3 है 4. ठीक है, अब तो निकल जाएगा सिग्मा बॉन्ड, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. चलो जोड़ो सिग्मा बॉन्ड, 1 sigma 2 3. ये सिग्मा है पाई, पाई को काउंट किए कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंफ्यूजन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 11, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर से दोस्त लाना है सिग्मा बॉन्ड कहां लाना? ओ जाइलिन. दोस्तों ओ जाइलिन में आपको लाना है सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है. तो सर पहले फॉर्मूला तो बताओ, फिर तो मैं सोचूंगा. ओ जाइलिन का सूत्र होता है दोस्त बेंजीन, ध्यान सुनना बेंजीन. ओके, इसी का नाम है ओ जाइलिन. तो दोस्त सर ये ओ क्यों है? तो ओ का नाम होता है ऑर्थो. दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्त, जब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में, वहां बताएंगे ओम पुरी ऑर्थो मेटा भारत, वहां पे क्लियर करेंगे. ठीक है, अभी आपको मैं जितने भी क्वेश्चन थे नीट में जेई में है ना, वो सारे को हम बीपीएस में डाल दिए हैं, इसलिए आगे का भी तो प्रॉब्लम आ सकता है ना दोस्त, इसलिए आपको हैंडल भी किया है, इसको प्यार से सावधानी से देखना है. ठीक है, चलो तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा बॉन्ड करना है. तो मैं बताया था ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? सी
सी सी सी सी सी सी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर यहां पे क्या हो गया सी और यहां पे क्या हो गया सी, देखो अच्छे से इसके लिए हो गए हाँ कार्बन याद कीजिए, मैं बता रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट किए हैं, ये सब कार्बन को बोल्ड कर दिए, जहां जहां डबल बॉन्ड उसको दिखा दिए, कार्बन कितना बॉन्ड बना, चार एच 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 एच, मुझे लग रहा है आप सिग्मा कौन कर लोगे ना, देख लो कोई कंफ्यूजन होगा छोड़ दो आपके लिए ना यार, एक दो तीन चार हो गया, पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, देख लेना भाई अठारह सिग्मा होगा, काम कर लेना अपन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आते हैं दोस्त, इन द हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में भाई सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच टू सी ट्रिपल वन सी और एच, देख लो इसको काउंट भी कर दिया भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है तो कहता है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वन कार्बन थ्री कार्बन फाइव कार्बन, ठीक है क्वेश्चन है दोस्त ये कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ रहा है वन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन थ्री का फाइव का, शायद ये क्वेश्चन नंबर वन के जैसा है, बना दोगे, चलो बना ही देता हूं, सी एच 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 सी एच डबल वन सी एच सी एच एच सी ट्रिपल वन सी और एच, जल्दी करो किसका निकालना है दोस्त, वन कार्बन ये एस पी वन कार्बन है टू कार्बन है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है, थ्री कार्बन एस पी थ्री फाइव कार्बन एस पी टू, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्त एस पी एस पी थ्री एस पी टू, देख लो अच्छे से कोई कंफ्यूजन तो बोलो। क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन का द नंबर ऑफ एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन, अब साइक्लोहेक्सीन का पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं, साइक्लोहेक्सीन बाबू ये आपको ना ध्यान सुना छोटू भाई, ये आपका लेक्चर नंबर 14 आएगा, लेक्चर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 में ये चीज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है लेकिन क्वेश्चन तो आ गया है, बनाते हैं द नंबर ऑफ एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द साइक्लोहेक्सेन, क्वेश्चन है एसपी थ्री की संख्या बताना है कि साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लो का मतलब होता है रिंग, तो साइक्लो का मतलब क्या होता है रिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है देखो साइक्लो का मतलब क्या है रिंग, कितना कार्बन का छह कार्बन का, हेक्स मतलब कितना कार्बन छह, तो छह कार्बन का रिंग एक दो तीन चार पांच छह, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सिक्स सिक्स मतलब छह कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग छह कार्बन का रिंग, और यहां क्या लिखा हुआ है ये रिंग कहीं पे डबल बॉन्ड चिपका लो हो गया चिपका दिए, अब इसको क्या करना है इसको ऐसे लिख सकते हो सी 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 यहां डबल बॉन्ड डालो, चलो एच 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 कर लो हो जाना सही दोस्त, इसका एसपी टू इसका भी एसपी टू बट ये एसपी थ्री एसपी तो कितने एसपी थ्री है चार एसपी थ्री, देख लो अच्छे से कंफ्यूजन है यहां पे क्या कंफ्यूजन है, देखो क्या कर रहे हैं
सबसे पहले ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, छह कार्बन लिख दिए, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, आप यहाँ दो कहीं दो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है दोस्त। तो अगर डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो गया, तीन बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो तीन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन चार बॉन्ड, तो एक दो तीन सिग्मा sp2 sp2, बाकी सब पे यहाँ पे देखो एक दो तीन, तो कार्बन तो चार बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन 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 sp3, अब देखो आराम से देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्त, कितना हो गया, 14 हो गया, चलो 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 14 कह रहा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इन थ्री हेक्स आइन वन इन। चलो बाबू ये नीट का भी क्वेश्चन है, जाके आप चेक कर सकते हो, 2018 के नीट का क्वेश्चन है, नीट का एक क्वेश्चन है दोस्त 2018 का, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन थ्री हेक्स आइन वन इन, उसमें हमेशा पूछा था, इसमें पूछ रहा है पाई बॉन्ड। चलो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएं, हेक्स कितने कार्बन दोस्त, जल्दी बोलो भाई, दो चार पांच और एक छह कार्बन, हेक्स मतलब कितने कार्बन, छह कार्बन। अब पहला कार्बन में क्या है, इन डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन में क्या है आइन, तीसरा कार्बन में क्या है आइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, देख लो अच्छे से, ठीक है। पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, थ्री हेक्साइन वन इन। अब क्या करना है, इसमें लाना है क्या दोस्त, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड कर देना दोस्त, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ना, चलो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहां है, दो पाई बॉन्ड यहां है, और कंफ्यूजन है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाबू, सेलेक्ट द मॉलिक्यूलर व्हिच हैज ओनली वन पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दोस्त, इसमें से व्हिच सेलेक्ट चुनना है द मॉलिक्यूल, वह कौन मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही पाई बॉन्ड है। ऑप्शन वन में है दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन इसमें तो दो पाई बॉन्ड है, दो है, पहला आंसर तो नहीं होगा, इस तरह से निकालो दोस्त। चलो मैं निकालता हूं, आप भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ करो यार। चलो क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी को देखो, बी कह रहा है CH2, ओके गाइस, डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसको जूम कर लो, क्लियर हो जाएगा, सी एच एच डबल वन सी एच सी, इसमें भी पाई बॉन्ड एक है, दो है, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन बोलो ना भैया, तीसरा क्या है दोस्त, सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू, यस इसमें पाई बॉन्ड एक, डी भी बना दे क्या, चलो बना ही देता हूं, डी क्या है, डी क्या है, तो डी है दोस्त सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ आर एच, मिलाते रहे दोस्त पाई बॉन्ड दो, ये भी आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नोट कीजिए आपको, क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहां, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, देखो तो क्या कह रहा है, कार्बन एटम इन द कंपाउंड आर सी एन का होल फोर
माइनस सी टू। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन एटम इन द कंपाउंड, कार्बन एटम इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड में कार्बन एटम सी टू, सी कितना है दो सी है और सी कितना चार, एक सी एन दो सी एन तीन सी एन चार सी एन, ठीक है। इसको बढ़िया समझिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो इसको ऐसे लिख दे C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, देख लो अच्छे से बढ़िया से। सी एन कितना है चार और सी टू दो, तो दो कार्बन लिख दिए, दो सी एन इसको दे दिए, दो सी एन इसको दे दिए, ठीक है। और सी और एन कितना बन रहा था दोस्त, तीन। चलो अब क्या क्वेश्चन है इसका, आप कैसे करो, एक दो तीन चार क्या कर रहा है, हाँ ऐसे करो, इसका निकालने का होगा एस पी टू, इसका निकालो, इस कार्बन का सिचुएशन करना है एस पी, इस कार्बन क्या हो जाएगा एस पी, इस कार्बन का एस पी, इस कार्बन का एस पी, एक सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा एस पी और एक दो तीन सिग्मा एस पी टू, देखो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बोल ना, एस पी एंड एस पी टू, एस पी एंड एस पी टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते दोस्त 17 में, नोट कीजिए उसको दोस्त, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है 16 में कार्बन एटम इन द कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड में जो कार्बन है उसी के बारे में सोचना है आपको, नाइट्रोजन के बारे में नहीं सोचना है दोस्त, ठीक ना। चलो सोचो तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर वंस अगेन वंस मोर, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, 17 क्या कर रहा है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन मॉलिक्यूल, हेलो सर ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो बताओ, ये आपका लेक्चर नंबर 10 में आएगा, इसका सूत्र होता है C2H2, क्या होता है दोस्त C2 और H2, ओके गाइस। तो क्वेश्चन क्या है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल कॉन्टेन 5 सिग्मा, बी ऑप्शन में 4 सिग्मा 1 पाई, तीन ऑप्शन में 3 सिग्मा 2 पाई और डी में 3 सिग्मा 3 पाई, तो बड़े स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा दोस्त। तो C कितने कार्बन है, दो, हाइड्रोजन क्या हो गया H, अब कार्बन के लिए कितना बॉन्ड है तो बताओ पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, पाई है सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका, 3 सिग्मा 2 पाई, आंसर नंबर सी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बाबू, 18 क्वेश्चन क्या है, विच कार्बन एटम, कौन कार्बन एटम हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें से आपका क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COO और H, ओके गाइस, इसमें चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन, ठीक है, किसका ज्योमेट्री, विच कार्बन एटम, कौन कार्बन एटम रखता है टेट्राहेड्रल, दोस्तों टेट्राहेड्रल पहचानने के लिए sp3 ढूंढना पड़ेगा, सोचो टेट्राहेड्रल पहचानना, यस sp लीनियर, sp2 प्लेनर और sp3 तो टेट्राहेड्रल, तो फाइंड करो ना, नहीं कर सकते हो, करो sp3 ढूंढो, CH, C, H, C, H, H, C, O, R, H, ये हो गया sp2 sp3 sp2, देख लो अच्छे से, मैं तो लिख दिया हूं आपको, देखो अच्छे से, तो नाम लिख गया, ये वन कार्बन इंडिकेट किया, 2 3 4 कौन सा कार्बन टेट्राहेड्रल है, कार्बन नंबर
थर्ड आंसर में क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन आंसर हो जाएगा सी। ओके तीसरा कार्बन sp3 है और sp3 तो बाबू क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके गाइस नोट कीजिए। तो दोस्तों आज का ये DPS 1 क्लियर होता है। अगर इस DPS में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। और एक बात और, इस ब्लॉग शुरू होने जा रहा है, आपको YouTube से भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। इस ब्लॉग और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हाइड्रोजन चैप्टर, ये तीन जो बचा हुआ है 11th का पोर्शन, ये दोनों जगह पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना भाई। चलो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट DPS प्रैक्टिस सेट में। गुड डे फॉर यू।